जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पांचवा दिन खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच में, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश की दखल के बाद इस बड़े दिग्गज खिलाड़ी ने की बड़ी मांग। ICC को भेजा एक ऐसा पत्र जिसमें लिखा दोबारा शुरू होना चाहिए WTC का फाइनल मैच। तो ऐसे में दोस्तों, आखिरकार कौन है ये दिग्गज खिलाड़ी जिसने ये काफी बड़ी मांग करी है और ICC ने इस पर एक फैसला भी बताया है, तो पूरी डिटेल जानकारी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, विराट कोहली निकले स्वार्थी, बीच मैदान पर कुछ ऐसा कर हर क्रिकेट फैंस को चौंकाया, आप भी वीडियो देखकर जरूर चौंकोगे। तो दोस्तों, आखिरकार कप्तान विराट कोहली ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद उन पर जनता भड़क उठी है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां दी रोजबाउल स्टेडियम में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का चौथा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और बिना एक भी गेंद डाले ही स्टंप्स की घोषणा एम्पायर ने कर दी। तो वहीं दोस्तों, चौथे दिन का खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका और ऐसे में पहले सत्र का खेल पूरी तरीके से गया और इसके बाद फिर बीच में बारिश कुछ देर के लिए रुकी तो लेकिन एक बार फिर से बारिश आई और जहां पर 5 घंटे के इंतजार के बाद अंत में दिन के खेल को समाप्त करना ही पड़ा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच का पहला दिन भी बारिश की भेंट चढ़ा, तो और ऐसे में लगातार अब चौथा दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया और जिसके बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम को 2 दिन का पूरा नेट नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारत की पहली पारी दूसरे दिन से शुरू हुई थी, जहां पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 92.1 ओवर में 217 रन बनाए थे और जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने 49 रन की पारी खेली, हालांकि उनसे ज्यादा रनों की पारी और कोई बल्लेबाज खेल नहीं पाया। और ऐसे में यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी क्रम में सबसे ज्यादा निराश किया रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा ने। और वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारत की बल्लेबाजी के बाद जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तो न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम और डेविन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी रंग अपना दिखाया और 70 रन की साझेदारी करी, जहां पर टॉम लैथम 30 रन बनाकर आउट हुए रविचंद्रन अश्विन के हाथों, तो वहीं डेवन कॉनवे ने 54 रन की पारी खेली और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अर्धशतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। हालांकि दोस्तों, उनको ईशांत शर्मा ने आउट किया। तो वहीं तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और ईशांत शर्मा ने एक एक विकेट हासिल कर लिया, और ऐसे में रविचंद्रन अश्विन शानदार गेंदबाजी लय में नजर आए, तो वहीं मोहम्मद शमी ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह यहां पर काफी ज्यादा महंगे साबित हुए और वो काफी ज्यादा रन अपनी गेंदबाजी के दौरान पड़वाते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दोस्तों, यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी और ऐसे में अब हर किसी की नजर पांचवें दिन के मुकाबले पर होगी, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के ये सभी गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम के 10 विकेट चटकाने की राह पर उतरेंगे। और अगर दोस्तों, आज पांचवें दिन भारतीय टीम ने थोड़ी सी भी देरी करी तो शायद ये मुकाबला भारत के हाथ से भी आप सभी को निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि WTC फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोबारा शुरू होनी चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सीरीज, क्या पूरी हो पाएगी वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी की ये मांग। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मजा बारिश ने पूरी तरीके से किरकिरा कर दिया है, जहां पर इंग्लैंड में फाइनल कराने की ICC के फैसले की चारों तरफ आलोचना करी जा रही है और वहीं अब इस महामुकाबले को दोबारा से शुरू करवाए जाने की मांग उठी है। दरअसल दोस्तों, ये मांग उठाई है भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जितवाने वाले तेज गेंदबाज मदन लाल ने। जी हां दोस्तों, मदन लाल का कहना है कि बारिश की वजह से मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच को दोबारा कराया जाना चाहिए। वहीं सुनील गावस्कर भी कह चुके हैं कि ट्रॉफी शेयर की बजाय विनर को लेकर कोई फॉर्मूला बनाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों, इन दोनों ही बड़े बड़े दिग्गजों ने काफी बड़ी मांग उठाई है ICC से। बाकी देखते हैं कि ICC इस पर क्या फैसला लेता है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या ये खिलाड़ी दोनों ही
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि विश्व को पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मिलेगा या फिर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की ट्रॉफी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में शेयर की जाएगी। इसका जवाब साउथैम्पटन में जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के नतीजे से तय होगा। हालांकि दोस्तों सोमवार यानी ओवर में 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए थे और वहीं कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर नावाद पवेलियन लौटे। तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 जून से यह महामुकाबला शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण मैच के पहले दिन टॉस तक नहीं फेंका जा सका और वहीं बारिश और खराब रोशनी की वजह से पहले दिन मैच नहीं हुआ। ऐसे में मैच फिर दूसरे दिन चला, लेकिन दूसरे दिन करीब 60 ओवर का खेल ही हुआ और तीसरे दिन भी बारिश ने आंख में चोली करी। हालांकि दोस्तों तीसरे दिन तो पूरा खेल खेला जाता हुआ दिखाई दे गया, लेकिन तीसरे दिन का मुकाबला अपने तय समय से शुरू नहीं हो सका था, जबकि बारिश और खराब रोशनी की वजह से मैच जल्दी समाप्त करना पड़ा। और अब चौथे दिन भी साउथैम्पटन में बारिश हुई और लगातार रुक रुक कर हो रही है। तो ऐसे में चौथे दिन कितने ओवर फेंके जाएंगे अभी तक इस बात की तो पुष्टि नहीं है, लेकिन दोस्तों अब खबर सामने ये एम्पटन में आसार तो यही जताए जा रहे हैं कि पूरे दिन बारिश होगी। लेकिन अगर खबरों की माने तो पहले सत्र और तीसरे सत्र में आप सभी को बारिश दिखाई देगी और हालांकि बीच के दूसरे सेशन के दौरान बारिश के होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, जिसके चलते आज आप सभी को दूसरे सत्र से मैच खेलती हुई टीमें दिखाई देंगी। तो वहीं दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि आज चौथा दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज चौथे दिन ही ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार ये मैच किसके पलड़े में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत के या फिर न्यूजीलैंड के। बाकी दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में और आपको क्या लगता है कि आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुरू हो पाएगा या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है 3 बड़े रिकॉर्ड टेलर और अश्विन करेंगे कारनामा। जी हां दोस्तों, आज मैच के दौरान 3 बड़े रिकॉर्ड आप सभी को बनते हुए दिखाई देंगे, जहां पर पहला रिकॉर्ड ये होगा कि रॉस टेलर अभी कीवी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाला कर कुल 17,996 रन बनाया और अब वो 4 रन लगाते ही यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। दरअसल टेलर ने साल 2007 में कीवियों के लिए टेस्ट डेब्यू किया था और वो तब से टीम के अहम हिस्सा हैं। तो वहीं जो दूसरा रिकॉर्ड होगा वो ये होगा कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी 1 विकेट हासिल करते ही अपने देश के लिए एक अहम और ही अपने देश के लिए न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे। और अभी तक टिम साउथी ने 79 टेस्ट मैचों में 310 विकेट और 143 वनडे में 190 विकेट, तो वहीं 82 T20 इंटरनेशनल में 99 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। बाकी आपकी क्या राय है इन रिकॉर्डों के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।